हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर क्लास फिफ्थ ऑफ ईवीएस। होप यू ऑल आर फाइन। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन लेसन नंबर 7। ओपन लेसन नंबर 7, ग्लोरी ऑफ ट्रीज। ओपन लेसन नंबर 7, ग्लोरी ऑफ ट्रीज। रिमेंबर यू हैव टू पुट योर फिंगर। Today, mother observed what Savitri's fast. She was preparing for worship. Seeing this, Bhavna asked, "Mother, is there any special worship today?" आज जो भावना है उसने अपनी मामा को देखा कि उन्होंने क्या किया है, वट सावित्री का फास्ट किया है, यानी व्रत किया है, ठीक है, और वो क्या कर रही हैं, पूजा की तैयारी कर रही हैं। सीइंग दिस, ऐसा देखते हुए भावना ने अपनी मम्मा से पूछा, इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, क्या आज कोई स्पेशल पूजा है। मदर टोल्ड दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड, आज के दिन बर्ड ट्री, बर्ड का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाएगी। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, ऐसा ही बहुत सारे ट्रीज़ की वर्शिप की जाती है अलग अलग ओकेजन्स पर। एज आमला ऑन आमला नवमी, आमला नवमी पे आमला की, एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दश माताज फास्ट, और जब दश माता का जो व्रत किया जाता है उसमें पीपल का जो ट्री होता है उसकी वर्शिप की जाती है। बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, इनकी पूजा करने की वजह से हम इनको क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, हम उनको सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट, पेड़ों की सुरक्षा, पेड़ों का संरक्षण जो है, इस तरह के कार्यक्रम गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जा रहे हैं ताकि टू सेव फॉरेस्ट, ताकि क्या किया जाए, फॉरेस्ट को बचाया जाए। इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना है, वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज, तो ना केवल हमें ट्रीज को सेव करना होगा बट ऑल्सो ऑल द लिविंग बींग्स अराउंड अस, और जितनी भी लिविंग बींग्स है जो हमारे चारों ओर है हमें उनको भी सुरक्षित करना होगा। भावना आस्कड, भावना ने पूछा, Why we should do so? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। मदर, ड्यू टू द डेफोरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन ऑफ बर्ड्स एनिमल्स विल अराइज। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा कट हो जाना, लोग पीपल जो हैं क्या करते हैं, अपने एडवांटेज के लिए, अपने लाभ के लिए इन जंगलों में जितने भी पेड़ हैं उनको काटना शुरू कर देते हैं ताकि उनसे बेटर फर्नीचर तैयार करवा सकें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो फॉरेस्ट में कम होते जा रहे हैं और ये डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम बनती जा रही है। और इसके साथ साथ जो बर्ड्स जो जंगल में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो उनके भी हैबिटेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने खड़ी हो गई है। भावना, मदर आई हैव हियर्ड अबाउट अमृता देवी, भावना ने अपनी मामा से पूछा, मामा मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, आप मुझे उसके बारे में डिटेल में बताओगी। मदर, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले द किंग ऑफ जोधपुर, जोधपुर के राजा को नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, अपने महल में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू आउट खेजरली ट्रीज, पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजरली विलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। तो जो राजा था, जोधपुर का जो राजा था, उसे अपने महल में कंस्ट्रक्शन के लिए वुड की नीड थी, ठीक है, तो उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि आप खेजरली विलेज में जाइए और जो खेजरली के जो ट्रीज़ हैं उन्हें कट करके लाइए। तो बिश्नोई कमेटी के जो लोग थे उन्होंने खेजरली विलेज को के लिए प्रोटेस्ट किया उनके विरुद्ध। इट फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजरली विलेज टू कट ट्रीज, जस्ट एज द ट्री जिससे स्टार्टेड टू कट ट्री, और जैसे ही जब
क्योंकि किंग का ऑर्डर था कि उनको खेजड़ी ट्रीज जो हैं वो कट करने हैं। तो जैसे ही सोल्जर्स उनको कट करने लगे, अमृता देवी हग्ड अ ट्री, अमृता देवी ने एक ट्री को जो है हग कर लिया, ठीक है, एंड सेड, और कहा यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी, आप इसको तभी काट सकते हो उस पेड़ को, इससे पहले आपको मुझे काटना होगा। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग्ड द ट्रीज, और उस विलेज के बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही किया, वो सब एक एक पेड़ के चिपक गए और उन्हें कहा कि इन इसको कट करने से पहले आपको हमें मारना होगा। The king's soldier cut the villagers also along with the trees. Amrita Devi along with 363 other people sacrificed her life to save Khejari trees. तो इस तरह से जो लोग सोल्जर्स थे उन्होंने खेजरी ट्रीज़ को कट करने के लिए उन खेजरी ट्रीज़ के साथ साथ उन विलेजर्स को भी कट कर दिया, और इस अमृता देवी के साथ साथ 363 लोगों पीपल ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया टू सेव द ट्रीज़ को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड व्हेन पीपल सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स ऑफ फॉर ट्रीज़, इससे पहले कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था हमारे इतिहास में कि लोगों ने ट्रीज़ को बचाने के लिए इस तरह से अपने आप को सैक्रिफाइस किया हो। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च द चिपको आंदोलन मूवमेंट, इससे लोग जो है प्रेरित हुए और उसके बाद उन्होंने चिपको आंदोलन मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया। व्हाई डिड पीपल डू सो, लोगों ने ऐसा क्यों किया। मदर, पीपल सेक्रीफाइस दियर लाइव्स टू सेव ट्रीज, लोगों ने इस ट्रीज़ को सेव करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस किए। ट्रीज़ गिव अस, क्योंकि ट्रीज़ से हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, वुड एंड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, ये सब हमें जो है ट्रीज़ से मिलता है। भावना, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज़, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। देखिए इस पिक्चर में ये शो कर रही है कि ट्रीज़ को बचाने के लिए लोगों ने किस तरह जो है हॉल्ट कर लिया था ट्री को। चिपको मूवमेंट, विमेन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्रीज, इस पिक्चर के थ्रू देखिए चिपको मूवमेंट में जो विमेन थी उन्होंने ट्रीज़ को सेव करने का इसमें जो है व्यू दिया है। देखिए चिप, डू यू नो अबाउट द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या था। देखिए चिपको मूवमेंट वेंट ऑन अ बिकम रेलिंग पॉइंट ऑफ द वेरियस फ्यूचर एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। चिपको मूवमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू सेव ट्रीज की जो बात रखी गई, और ये प्रोग्राम जो है एनवायरनमेंट प्रोग्राम ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको जो है स्टार्ट किया गया। द इन्वॉल्व इंसिडेंट एक्सिस्टिंग द सोसाइटी इन इंडिया विच बिगेन द एड्रेस इन इश्यूइंग ट्राइबल एंड मैग्निफाइज द पीपल, इससे लोग बहुत प्रेरित हुए। ठीक है, आगे देखिए, फूड फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, फॉरेस्ट को बचाना ये राजस्थान का पुराना ट्रेडिशन है। अब देखिए, आफ्टर विजिटिंग द फेयर नेक्स्ट डे भाव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम, भाव्या और संजय एक फेयर में गए हैं, विलेज फेयर में गए हैं, और वहाँ वो कुछ फेयर के बारे में क्लासरूम में, अपने क्लासरूम में वो क्या कर रहे हैं, उस फेयर के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। भव्य, ठीक है, जो भव्य है, आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ अवर फोक डाइटी, आई सा अ बिग पास्चुलेंट एंड ऑरान नियर द फेयर कंपाउंड। पहले तो आपको ये जानना होगा कि फोक डाइटी क्या होते हैं। फोक डाइटी होते हैं हमारे लोक देवता, जैसे आपने कई जगह इनके जो है प्लेसेस बने हुए देखे होंगे, तेजा जी, जम्बो जी, है ना, तो ये जो है फोक डाइटी होते हैं, यानी लोक देवता। तो भव्य बता रहा है कि वो अपने लोक देवता के एक फेयर में गया था, एक मेले में गया था। आई सा ए बिग पास्चरलैंड एंड ओरान नियर द फेयर कंपाउंड, पास्चरलैंड क्या होता है, चारागाह। तो उसने कहा कि मैंने उस फेयर के पास में एक जो है कंपाउंड देखा जो एक चारागाह की तरह था। ठीक है, संजय, व्हाट इज पास्चरलैंड एंड ओरान, पास्चरलैंड और ओरान क्या होता है। भव्य, आई हैव सीन मेनी ट्रीज,
ट्रीज, मैंने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे. क्या देखे? आई हैव सीन मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़, शाखाएँ, बुशेज एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, जिस पर कोई भी कल्टिवेशन नहीं किया गया हो, इस तरह की लैंड देखी. फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेज हेयर इट सीम्स द पीपुल डोंट यूज एक्सेस टू कट देयर. और उन ट्रीज और बुशेज को देखकर ऐसा लगता था कि मानो लोगों ने इस पर कभी एक्सेस चलाई ही ना हो उन्हें कट करने के लिए. हाउ डिड यू, संजय पूछा, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? भव्य, इन माई विलेज पीपुल डोंट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड. मेरे विलेज में इस तरह की जो लैंड होती है, जैसे पास्चर लैंड या औरान कहें, वहाँ से लोग जो है वुड को कट नहीं करते हैं. लेट अस नो अबाउट मोर दिस फ्रॉम आवर टीचर, हम इसके बारे में हमारे टीचर से और पूछते हैं. संजय अपने टीचर से पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द पास्चर लैंड एंड औरान, कि सर हमें बताइए ये पास्चर लैंड और औरान क्या है. टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अवर स्टेट हैज़ ऑल ट्रेडिशन, कि हमारा जो स्टेट है उसकी पुरानी परंपरा है कंजर्विंग द फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने की. पीपुल कंजर्व द लैंड अराउंड द विलेज, लोग क्या करते हैं ऐसी एक लैंड बनाते हैं, विलेज के पास में एक लैंड ऐसी रख देते हैं इन द नेम ऑफ फोक डायटी, और उसका नाम जो रखते हैं, उस लैंड का जो नाम रखते हैं, वो अपने लोक देवता या अपने किसी संत या किसी महान पुरुष के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है उस लैंड का. और इस तरह की लैंड जो होती है उसे औरान कहा जाता है. संजय, सर पीपुल डोंट कट वुड फ्रॉम सच लैंड, क्या सर इस तरह की लैंड्स पे से लोग जो हैं वो वुड कट नहीं करते हैं? यस दे डू नॉट, टीचर ने क्या आंसर दिया? यस दे डू नॉट कट वुड, वो लोग जो हैं वुड को कट नहीं करते हैं. दीज पीपुल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इस तरह के जो लोग होते हैं वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है अवेयर होते हैं. द पास्चर लैंड ऑन औरान्स आल्सो रिमेन प्रिजर्वड, और जो पास्चर लैंड और औरान होते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है. संजय, सर द विलेजर्स आल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉस रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, सर कि जो विलेजर्स हैं, जो ग्राम में रहने वाले लोग हैं, वो इस तरह के गवर्नमेंट जो कानून हैं उनके बारे में भी बात करते हैं कि इस तरह की जो लैंड है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है. टीचर, यस संजय यू आर राइट, फीलिंग ऑफ द नीड ऑफ मेकिंग पीपुल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉज एंड कंजर्व द सच लैंड्स. हाँ तो यस संजय, आप सही कहते हो कि इस तरह का महसूस करना कि लोगों को एनवायरमेंट यानी पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को बताया जाए, राजस्थान सरकार ने इनके लिए इस तरह की लैंड्स के लिए कुछ कानून बनाए हैं ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जाए. संजय, सर ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट, औरान्स गोचर एंड पास्चर लैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड. सर क्यों ऐसे लोकल लोग जो हैं, जो गांव में रहने वाले हैं, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए को का एक सम्मान मानते हैं और इस तरह के गवर्नमेंट की जो लॉज हैं उनका भी वो सम्मान मानते हैं, और इसी वजह से औरान और गोचर जो हैं और पास्चर लैंड जो हैं, औरान गोचर और पास्चर लैंड्स जो हैं इनको सुरक्षित रखा जाता है. इस तरह से फॉरेस्ट, राजस्थान के जो जंगल हैं उन्हें सुरक्षित रखा गया है अलग अलग परंपराओं के थ्रू और अलग अलग कानून के थ्रू, और कानून के द्वारा और अलग अलग जो है परंपराओं के द्वारा इन्हें सुरक्षित रखा गया है. ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे, और अगर आपको रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय.